20वीं शती के मध्यकाल में फारस की स्थिति कुछ ऐसी थी जहां सैद्धांतिक रूप में सम्राट अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता था और जहां इस्लाम शने शने अपनी पूर्व गरिमा खोने लगा था और कई कट्टर एवं अज्ञानी लोगों के फिरकों में बढ़ चुका था जो मोहम्मद की शिक्षाओं को भूल चुके थे। ऐसे तबाही भरे माहौल में अरेबियन प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित एहसा नामक कस्बे में शेख अहमद एहसाई का जन्म हुआ। शेख अहमद अपने धर्म को बिखरता हुआ देख अत्यंत दुखी थे और ये निश्चय किया कि वे हजरत मोहम्मद के अनुयायियों को गफलत की निद्रा से जगाकर उस जल्द ही आने वाले अवतार का संदेश देंगे जो कि उनके अज्ञान और पक्षपात को दूर करेगा और जिसकी भविष्यवाणी इस्लाम के धर्म पुस्तक एक नए और दैवीय प्रकाश का प्रकटन कहते हुए किया है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शेख अहमद ने अपने परिवार का मोह त्याग दिया और नजफ, इराक, शिराज और यज्द जैसे अनेकानेक देशों में इस संदेश का प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अनेक ग्रंथ और पुस्तकें लिखी तथा इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि ईरान के बादशाह फतेह अली शाह भी उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए। जिस समय में शेख अहमद यज्द छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तभी एक अन्य दैवीय आत्मा सैयद काजिम रश्ती को एक स्वप्न में शेख अहमद के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में जाने की प्रेरणा मिली और वह अपने मूल प्रांत मिलान से शेख अहमद से मिलने के उद्देश्य से निकल पड़े। सैयद काजिम बचपन से ही कुशाग्र और आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण थे और 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हजरत मोहम्मद की अनेक प्रार्थनाएं और श्लोक आत्मसात कर लिए थे। जब वह उनसे मिले तो शेख अहमद काफी खुश हुए, मानो कि वो सैयद काजिम का कई दिनों से उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हो और आगे चलकर उन्होंने सैयद काजिम को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किया ताकि उनके बाद सैयद काजिम उनके अनुयायियों का मार्गदर्शन कर सके। और तब 20 अक्टूबर 1819 को शिराज में एक अत्यंत कुलीन परिवार में जिसका संबंध मोहम्मद के वंश से था सैयद अली मोहम्मद यानी बाप का जन्म हुआ। सैयद काजिम ने अपने सारे सार्वत्रिक विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित अनुयायियों को यह आदेश दिया था कि वे नए प्रतिष्ठित कायम को खोजने में कोई कसर न रखें, क्योंकि उनकी खोज का लक्ष्य अब प्रकट है और उन्होंने यह भी कहा था कि वे अपने घरों से निकलकर नए प्रतिष्ठित कायम की खोज में स्वयं को समर्पित कर दें। जब सैयद काजिम के इस आदेश के बारे में उनके सबसे विशिष्ट शिष्य मुल्ला हुसैन को पता चला तब उन्होंने सैयद काजिम के उन दिग्भ्रमित अति महत्वाकांक्षी तथा उन बेमान अनुयायियों को भी सत्य को स्वीकारने के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ रहे और वे उन्हें छोड़कर चले गए। मुल्ला हुसैन ने अपने भाई और भतीजे के साथ करबला छोड़ने का निर्णय किया तथा वे जाने से पूर्व 40 दिनों के लिए कूफी के मस्जिद में एकांतवास पर चले गए जहां उन्होंने उपवास रखा और ईश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थनाएं की। और फिर वह अपने साथियों के साथ
कर्बला छोड़ शिराज की ओर चल पड़े। शिराज के द्वार में पहुंचते ही मौला हुसैन ने अपने भाई और भतीजे से कहा कि वो मस्जिद इलखानी के तरफ प्रस्थान करे और वहाँ उसका इंतज़ार करे। इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि मगरिब के नमाज तक वो उनसे फिर मिलेंगे। कुछ देर तक मौला हुसैन वही द्वार के बाहर टहलते रहे और अचानक उन्होंने देखा कि एक रोशन चेहरा युवा उनके तरफ आ रहा है जिन्होंने हरी रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, जिससे ये मालूम होता था कि वो एक सैयद है और हज़रत मोहम्मद के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो युवा मौला हुसैन से मिले और उनको आमंत्रण दिया कि वो अपने घर चले। मौला हुसैन उनके साथ में चले गए और 22 मई 1844 को सूर्यास्त के 2 घंटे और 11 मिनट बाद उस युवा व्यक्ति ने ये घोषणा की कि वो इस युग के ईश्वरीय अवतार हैं। उनको बाद में महात्मा बाप के नाम से जाना गया। बाब ने मुल्ला हुसैन से कहा, हे तुम जो सर्वप्रथम मुझ पर विश्वास लाए, वस्तुतः मैं बाब हूँ, ईश्वर का द्वार, और तुम बाबुले बाब हो, उस द्वार का द्वार। इसके पश्चात महात्मा बाब ने मुल्ला हुसैन से कहा कि इस घोषणा के बारे में वो किसी को ना बताए और ये चीज को गुप्त रखे, क्योंकि और 17 लोग स्वेच्छा से उन्हें स्वीकारेंगे और उन 17 में से एक व्यक्ति उनके साथ में मक्का मदीने की यात्रा पर जाएगा। बाब एक जगह कहते हैं, मैं हूं, मैं ही हूं वह प्रतिज्ञापित अवतार, मैं ही हूं वह जिसकी आकांक्षा तुमने 1000 सालों से की है, जिसकी चर्चा पर तुम उठ खड़े होते हो, जिसकी अवतरण की तुम प्रतिज्ञा करते रहे हो और जिसके प्रकट होने का समय निकट आए इसकी प्रार्थना तुम ईश्वर से करते रहे हो। और ऐसे ही शुरू हुआ युग चक्र में पहला अध्याय। बाब ने मुल्ला हुसैन के साथ 17 प्रथम अनुयायियों जिन्होंने बाब को स्वेच्छा से स्वीकारा था उनको 18 जीविताक्षर घोषित किया। ये बाप के चुने हुए अब धर्म उपदेशक थे। जैसे ही जीविताक्षरों की संख्या पूरी हो गई, वैसे ही बाप ने सभी को अलग अलग जिम्मा सौंपा, जिसमें मुल्ला हुसैन को तेहरान की ओर जाना था। बाप के अनुसार तेहरान में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जिसके बाहर आते ही पूरी पृथ्वी को स्वर्ग में बदला जा सकता था, और स्वयं बाप खुदूस जो उनके 18वें और अंतिम जीविताक्षर थे उनके साथ मक्का मदीना की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। और दूर दराज के क्षेत्रों में उनके अनुयायियों ने उत्साह के साथ ये नया संदेश देना शुरू कर दिया। बाप को कई कठोरतम कठिनाइयों और घोर यातनाओं को सहन करना पड़ा और ऐसे ही संकट और विजय का दौर शुरू हो गया। सिराज के गवर्नर ने बाप के अनुयायियों को बहुत ही बर्बरता भरी सजा सुनाई जब वे नए संदेश का प्रचार कर रहे थे। फिर उनका क्रोध बाप के ऊपर बरसा और फिर वे बाप को बुशेर से अतकड़ियों से कैद कर सिराज लेकर आने का हुक्म दिया गया। गवर्नर की गार्ड के अंदर बाप के शब्दों का जादुई प्रभाव पड़ा और उनके अंदर का क्रोध भाव विनम्रता और प्रेम का स्वरूप दिया गया। बाप को बहुत ही सम्मान के साथ सिराज लाया गया और उनके मामा के घर में नज़रबंद कर दिया गया। मुल्लाओं और गवर्नर के लाख कोशिशों के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ और उनके अन्यायियों का संख्या बढ़ती गई, और इसलिए बाप को शिराज छोड़ने का हुक्म दिया गया।
और वे इस्फहान की ओर चल पड़े। इस्फहान में भी बाप की प्रसिद्धि ने पूरे नगर को घेर लिया और लोग दूर दूर से उनकी विवेकपूर्ण बातों को सुनने के लिए चले आते। यहाँ तक कि इस्फहान के गवर्नर भी उनसे काफी प्रभावित हुए और इसे देख कई मुल्लाओं की ईर्ष्या और तेज हो गई। तेहरान के बादशाह ने बाप को गुप्त तरीके से तेहरान भेजने का संदेश भेजा। परंतु फारस के प्रधानमंत्री, जिन्हें अपनी सत्ता खोने का भय था, ने बादशाह को मनाया कि बाप को अजरबैजान राज्य में भेज दिया जाए। जब वे उस राज्य की राजधानी तबरीज पहुंचे तो उन्हें नज़रबंद कर दिया गया और बाद में उन्हें महाकू के किले में भेज दिया गया, इस सोच के साथ कि यदि उन्हें किसी वीराने स्थान पर भेज दिया जाए तो उनका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और लोग उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन वे नहीं महसूस कर पाए कि ईश्वर के धर्म का दीप अब प्रज्वलित हो गया है और कोई मानवीय शक्ति इसके लौ को बुझा नहीं सकती। बाप की संप्रभुता और दयालुता के कारण उन्होंने शीघ्र ही लोगों की प्रसन्नता प्राप्त कर ली। यहाँ तक कि किले के पदाधिकारी भी उनसे काफी प्रभावित हुए और इसी कैद के दौरान बाप ने अपनी सबसे महत्तम कृति बयान को लिखा, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में उल्लेखित किया कि उनसे भी महानतम प्रकटीकरण होने वाला है और उन्होंने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे उसकी खोज करें जिन्हें ईश्वर प्रकट करेगा। एक अन्य स्थान में बाप कहते हैं, मेरे पश्चात जिसे आना है उसे मैंने जो श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं उनमें से महत्तम मेरी लिखित स्वीकारोक्ति है कि मेरे कोई शब्द उसका यथेष्ट वर्णन नहीं कर सकते और न मेरी पुस्तक बयान में दिया उसका कोई उल्लेखित उसके धर्म के साथ न्याय ही कर सकता है। बात सन 1850 की है। ईरान का प्रधानमंत्री, जो दिव्यात्मा बाप के खून के प्यासे थे, उन्होंने ही उनका मौत का सजा का आदेश दिया था। दिव्यात्मा बाप को चिरिक के कारागृह से वापस तबरीज लाया गया। तबरीज में वो बैरकों का सामने जो चौराहे पर था, वहीं पे महात्मा बाप का शहादत होनी थी। जब उनको चिरिक से लाया जा रहा था, उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ रहे थे। उस भीड़ के बीच से एक युवा ने दौड़ कर आया और बाप का चरणों में पड़े। ये जुनूसी के रहने वाले मोहम्मद अली थे, जिनको हम अनीस नाम से जानते हैं। महात्मा बाप के बड़े भक्त थे और बहुत ही प्रेम था उनसे। उन्होंने याचना की कि उनको भी साथ ले। दिव्यात्म बाप ने उनको आश्वासन दिया कि उनका इच्छा पूरा होगी। सुबह ही सरकारी अफसर दिव्यात्मा बाप के कोठरी में आ गए। जब बाप उनका सचिव को कुछ आदेश दे रहे थे, लिखवा रहे थे, बीच में रोक करके उनको उनके साथ चलने का आदेश दिया गया। महात्मा बाप ने उनको बताया कि बहुत जरूरी काम बचा है, उसको निपटा करके चलेंगे। लेकिन अफसर ने बात नहीं सुना, उन्हें साथ ही साथ चलने के लिए आदेश दिया, आग्रह किया। तब गंभीरतापूर्वक महात्मा बाप ने उनसे ये बतलाया कि जब तक उनका काम पूरा नहीं होता, इस धरती का कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकता। बहरहाल उन्हें ले आया गया बैरकों से चौराहे पर। वहाँ पे उन्हें एक खंभे में कील टोककर लटकाया गया, साथ ही में अनीस को भी उनके साथ बांध दिए। उनको मौत की सजा देने का समय आ गया। सैनिकों के टुकड़े भी आ गए। उनके मुखिया जो सैम खान था, आर्मेनियन ईसाई थे, उन्होंने बाप के पास आए।
मैं एक ईसाई हूँ और आपके खिलाफ कोई भी दुर्भावना नहीं रखता। यदि आपका धर्म सत्य है तो मुझे इतनी शक्ति दे दे कि आपके खून बहाने के अपने कर्तव्य से मैं अपने आप को मुक्त कर सकूं। महात्मा बाप ने उन्हें बतलाया कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, ईश्वर अपना इच्छा को पूरा करेंगे। वैसे ही 250-250 का तीन टुकड़ियों को खड़ा कर दिए गए। जैसे ही आदेश हुई, गोलियां बरसाई गई। ये दर्दनाक दृश्य को देखने के लिए दसियों हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे वहां पर। जैसे ही गोलियां चलाई गई, अंधेरा छा गया, धुआं से भर गया। जब धुआं हट गई तो वो दृश्य अविश्वसनीय था। अनीस बिना कुछ चोट खाए नीचे खड़े थे, लेकिन दिव्यात्मा बाप का वहां आता पता नहीं था। खोज शुरू हो गई, ढूंढने चले लोग। जब देखा कि वापस उनका कोठरी में गए तो महात्मा बाप वहीं बैठ करके अपने सचिव को निर्देश दे रहे थे और अपना पूरा काम पूरा कर रहे थे। जैसा पहुंचे तो उनका काम पूरा हो गया और उन्होंने कहा कि अब मेरा काम समाप्त हो गई है, तुम अपना इच्छा पूरा कर ले। उन्हें ले आया गया फिर से चौराहे पर, उसी तरह फिर से लटकाया गया और तब सैम का हाथ उठा दिया और कह दिया कि सैनिकों वापस चलो, हमारा काम यहाँ पे समाप्त हो गया है, अब हम इस कार्य को और नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये देखा गया कि वहां पर जो अंगरक्षक दल का मुखिया था आखा जानी खमसी, जो धर्म से मुसलमान थे, उन्होंने ये कार्य करने के लिए आ गया है। अपना टुकड़ियों को आदेश दिया गया, 250-250 के तीन हिस्से में खड़े हो गए, गोलियां बरसाई गई। लेकिन अब उनका काम पूरा हो गया था। बाप और अनीस का शरीर गोलियों से चितर-बितर हो गया था, एक साथ समाये गए थे, लेकिन महात्मा बाप का चेहरा वैसे ही वैसे थे। और ऐसे ही दिव्य आत्मा बाप अपने दिव्य लोक की यात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। अपने अल्पकालीन जीवन में बाब ने फारस में एक आध्यात्मिक क्रांति ला दी। उन्होंने अपने जीवन में हजारों हजार लोग को ईश्वर के अवतार, ईश्वर की महिमा, बहावला के आगमन का शुभ संदेश दिया। और इस संदेश का उन्होंने यह कहकर घोषणा की कि वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा आने वाला है। और ऐसे ही शुरू हुआ युग चक्र में एक दूसरा अध्याय। बहावला ने अपने युग धर्म का ध्वज धरती के हर भाग में लहराया। वह दिव्य संदेश वाहकों में से आधुनिकतम थे। उनका जन्म 12 नवंबर 1817 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। उनका प्रारंभिक काल बड़ा ही सुखमय बीता और बाप के प्रकट होते ही बहावला उनकी सहायता करने के लिए उठ खड़े हुए और उनके प्रमाणों तथा सकारात्मक साक्ष्यों से उन्होंने उनकी सत्यता दर्शाई। परंतु महान धर्म की स्थापना के लिए कई भयानक द्रुदेव बर्बता भरी सजाएं बहावला का इंतजार कर रहे थे। बहावला को अपने जीवन में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें जंजीरों में बांधकर एक भूमिगत कैद खाने में बंद कर दिया गया। उनकी पुश्तैनी संपत्ति लूट ली गई, यहाँ तक कि उन्हें एक से दूसरे स्थान पर 4 निष्कासित किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें सूली में लटकाकर समाप्त कर देने की योजना बनाई गई। परंतु इतने संकटों के बावजूद भी पर्वत की भांति अटल बने रहे और अपनी ईश्वरीय अवतार होने की सार्वजनिक घोषणा
21 अप्रैल सन 1863 में बगदाद के रिजवान बाग में किया। अपनी परम पावन पुस्तक किताब अकदास का प्रकटीकरण किया, साथ ही अपने संविदा का भी प्रकटीकरण किया। अपने पूरे जीवन में निरंतर संकटों में घिरे रहने के बावजूद भी बहाउल्लाह दृढ़ रहे और अपने धर्म की ध्वजा संपूर्ण विश्व में फैलाई और फिर 29 मई सन 1892 में अपने दिव्य लोक की यात्रा में निकल पड़े। बाब स्वयं एक अग्रदूत थे। उनके आने का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की महिमा बहाउल्लाह के आगमन का शुभ संदेश देना था और बहाउल्लाह का अपने नए धर्म की स्थापना के साथ मानव जाति को फिर से एकता के सूत्र में बांधना है। आज बच्चों के कोमल हृदयों में आध्यात्मिकता का पोषण करने, उनकी शिक्षा को समुदाय और परिवार से जोड़ने के लिए बच्चों के आध्यात्मिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। किशोरों और वयस्कों को अपने जीवन के महत्वपूर्ण चिन्हों की खोजबीन करने के लिए सेवा के कार्य करने, साथ ही समुदाय की आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रगति में सहायता कर सकने के लिए किशोरों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पृष्ठभूमि के वयस्कों को ईश्वर के शब्दों से जोड़कर अपने जीवन में समाज की सेवा कर सकने के, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टडी सर्कलों का संचालन किया जा रहा है। इन सब के अलावा और अन्य कई प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से संपूर्ण बहाई जगत बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है।